नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जयस्ता न्यूज। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के एक बहुत ही खास सचिव मिलन नार्वेकर को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और इस अपडेट की काफ़ी टाइम से बहुत सारे लोगों को वेट था, इंतजार था। पिछले काफ़ी टाइम से लोग जो है इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब जो है उद्धव ठाकरे के जो करीबी हैं, जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, उनके ऊपर आखिरकार कार्रवाई कब होगी। तो अब जो है फाइनली एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई हुई है और ये जो अपडेट आ रही है वो क्रिस सौम्या के द्वारा शेयर किया गया है, जो कि आप समझ रहे हैं, आपको पता होगा कि क्रिस सौम्या जो है बीजेपी के एक लीडर हैं। आपको बता दूं कि कुछ टाइम पहले एक अपडेट आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि मिलन नार्वेकर जो हैं उन्होंने सीआरजेड जोन के अंडर में कुछ इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है, वो भी मिलन नार्वेकर के द्वारा, जिसके बाद इस पर जो है जांच बैठाई गई थी। इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचा हुआ था। अब जो है फाइनली इस पर कार्रवाई कर दी गई है और वो जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन किए गए थे मिलन नार्वेकर के द्वारा, उसको जो है तोड़ना स्टार्ट कर दिया गया है। इसको जो है कुछ फोटोज और वीडियोज जो है मिलन क्रिस सौम्या के द्वारा शेयर किया गया, जहाँ पर बताया गया कि अब फाइनली जो है मिलन नार्वेकर के ऊपर कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। और अब जो है सबसे बड़ी बात कि अब लोगों को वेट है कि आखिरकार कब जो है अनिल परब के ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि इन दो के दोनों लोगों का नाम एक साथ सामने आया था, जिसमें मिलन नार्वेकर और साथ में ही अनिल परब, दो के दोनों लोगों के ऊपर सेम आरोप लगा था कि ये लोग जो है सीआरजेड के अंडर में जो एरिया है उसमें जो है इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में। तो फाइनली अभी मिलन नार्वेकर के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है और सारे के सारे जितने भी इलीगल तरीके का कंस्ट्रक्शन किया गया है इलीगल एरिया पे, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। लेकिन अब देखते हैं अनिल परब के ऊपर कब कार्रवाई की जाएगी। और साथ में ही लोगों की तरफ से ये भी डिमांड की जा रही है कि अनिल देशमुख, जो कि पिछले काफ़ी टाइम से लगातार गायब हैं, उनको लेकर भी लोग बोल रहे हैं कि अब जो है उनके घरों को सीज करना स्टार्ट करो, जो भी इलीगल तरीके से बनाए गए हैं उस पर भी इंक्वायरी किया जाए और साथ में भी उनको भी डिस्ट्रॉय किया जाए, तभी जो है अनिल देशमुख जो है ईडी के सामने पेश होंगे और अपना जो है स्टेटमेंट दर्ज करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं से एक बड़ी अपडेट आ रही है, फाइनली उद्धव ठाकरे के करीबी यानी जो सचिव हैं मिलन नार्वेकर, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई है और उनका जो है इलीगल जो भी कंस्ट्रक्शन था उसको गिराना शुरू कर दिया गया है। आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ में ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।